भी एक बार भी चले गई सी तो दोबारा फिर अपने आप वापस आ गई। तो जे मैं कंबल चुक के वेख्या तो थले दो सराने रखे पै तो वो हैगी नहीं। एक अजिही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिस तो बाद पति अपनी पत्नी ते शक करना शुरू कर देवेगा। पता लग्या कि बीते समय तो ही उसकी पत्नी किसी होर दे नाल प्रेम संबंधा दे विच सी अते हुण कोई जहरीली चीज़ घरदियां नूं देण तो बाद वह अपने प्रेमी दे नाल फरार हो गई। इन्ना ही नहीं इन्हां दे घर बच्चा भी है पर उसकी भी परवाह नहीं की गई। एक व्याहता औरत ने अपने पति नूं खाने दे विच कोई जहरीली चीज़ दिती है अते उस तो बाद पति जदों बेहोश हो गया तो वह अपने छोटे जिहे बच्चे नूं छड्ड के प्रेमी दे नाल फरार हो गई है। इस सारे मामले नूं देखते हुए पति सामने आया जिस दे वल्लों लोकां ते पुलिस दे सामने गुहार लगाई गई है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरें ते वीडियो दे विच कि किस तरह दे नाल इह साऊ सुभाअ दा पति लग रहा है जिस दे चेहरे ते ही यह जाहिर हो रहा है कि वह कितना ज़्यादा परेशान है। उसकी पत्नी पहला भी अजिहा कर चुकी सी है हुण एक बार फिर तो बीते दिन ही उसने अपने पति नूं कोई नशीली चीज़ दिती है ते उस तो बाद घरों फरार हो गई है। व्याहता औरत दे वल्लों अपने पति नूं खाने दे विच इह नशीली चीज़ दिती गई सी जिस तो बाद वह बेहोश होकर पिया रहा अते पिंड पल्ला मेगा बस्ती प्रीतम सिंह वाली दे वल्लों दस्या जा रहा है कि इस संबंध दे विच उन्होंने थाना सदर फिरोजपुर पुलिस नूं इह सारी शिकायत दर्ज करवाई है। औरत के खिलाफ 328 IPC तहत मामला दर्ज हो चुके है। पुलिस नूं दिते बयाना दे विच बलजीत सिंह पुत्र गुरमेत सिंह वासी प्रीतम सिंह वाला ने दस्या कि वह राजगिरी का काम करता है अते उसका विआह अज तो करीब 13 साल पहला मनजीत कौर पुत्री रेशम सिंह दे नाल होया सी। उन्होंने घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुरजान अते उम्र करीब 9 साल की है। बलजीत सिंह ने दस्या कि मनजीत कौर का चाल चलन पहला तो ही ठीक नहीं सी। वो अपनी मर्जी दे नाल पहला भी घरों चली गई सी अते हुण एक बार फिर 11 दसंबर की दरम्यानी रात को रोटी दे विच ही कोई नशीली चीज़ देण तो बाद सारे परिवार को बेहोश किया अते घर तो फरार हो गई। इस मामले की जाँच कर रहे थाना सदर के SHO नवदीप सिंह ने दस्या कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर औरत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जाँच पड़ताल जारी है अते दस दईए कि यह सारी खबर सामने आने तो बाद पति दे वल्लों खुद दस्या गया कि किंज उस दे नाल घर दे विच सलूक किया जाता सी। आओ सुन लैने इस दुखदाई पति की गलबात अते हुण उस दे वल्लों की अपील की जा रही है आओ जानते हाँ। फिरोजपुर तो पत्रकार सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। बलजीत सिंह जी जी नशीली चीज किने दित्ती सी? इहने जी घर वाली ने मेरी ने दित्ती जी। किन्ने दे हो गए विआह? मेरे 12 साल विआह नूं हो गए जी। एक बच्चा है 10 सालों का मेरा ते अगे भी एक बारी भी चले गई सी तो दोबारा फिर अपने आप वापस आ गई तो दोबारा फिर दूरी आ रहा हूँ। माता भी गई वांडे मेरे मामा जी दाखिल सी उनका पता लैन तो मगरों कुत्ते नूं ते मैनू ते मुंडे नूं नहीं पाई तो पता नहीं की नशीली दवाई दी। मेरा भरा ड्यूटी तो आया 8 बजे 8:30 आने के मैनू नठाया लून के तो मैं उठ्या जदों तो मैं आवाज़ मारी महा मनजीत मनजीत तो इन्हें आवाज़ नहीं दी अगों तो जे मैं कंबल चुक के वेख्या तो थले दो सराने रखे पै तो वो हैगी नहीं तो आ गल दिया बात पता नहीं जी मैनू पता ही नहीं की दिता जी। हाँ जी सुते ही रह गए जी। मेरे भरा ने ड्यूटी तो आन के ठाया जी 8:30 बजे। जसवीर सिंह जी अंबरसरिया यूनिवर्सिटी वाला ग्रंथी है जी बाबा बलवंत सिंह जी अंबरसरिया यूनिवर्सिटी का ग्रंथी है जी उनका मुंडा जसवीर सिंह वो लै गए। हाँ जी उनके नाल माड़े संबंध है। जो भी कार्रवाई भी हो उनके ते परचा दर्ज करवाता है जी। हाँ जी हाँ जी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनू सज़ा मिलनी चाहिए। सर मैं तरसेम सिंह जी। तरसेम सिंह की होया इन्हां नाल जिहड़ा इन्हां दे परिवार ने गोलियां इन्हां जी परिवार नूं नशीलियां गोलियां साडी भतीजी दे के गई आ ते सुते ही रह गए इन्हां नूं पूरा भी पता नहीं लगा गा। अच्छा ये कदों दी घटना? 12 तरीक दी है जी। किस तरह की संबंध सी जी कौन सी जिहड़ा मेरा मिल के जिन्ने ये पिंड अमृतसर यूनिवर्सिटी बाबा बलवंत सिंह जी उहदा लड़का जसवीर सिंह ग्रंथी है पिंड दा जी। दो कुड़ी कड़ के अगे लग गया है। हाँ मुंडे जसवीर सिंह है जी। एक
उन्हें जसवीर सिंह ने लिया के दी तो एक मुंडा होर नाल ही वो जो कुड़ी बोलेगी वो आपे पता लग जाए कि गोलियां दित्तियां सुता ही रह गया जी इन्हों ठाया जाके रजीत सिंह ने जाके पता लिया को भोरा नहीं पता लगा इन्हों भारी सज़ा दी जाए दोवां का परचा कट के अंदर किए जाए साड़ी यही वजारत है जी छोटा जिहा बच्चा इन्हां दा बच्चे की बहुत औखा मेरा नाम हरजीत सिंह जी जी मैं प्रीतम सिंह के रहने वाला जी ए लड़का जो जिन्हें दवाई दी गई है जी सू पता ही नहीं कि जहरीली दवाई दे गई आने जाके इन भरा ने ठाया भरा ने सू कहा अं आया तो यह सुरत पिया है साढ़े जाद जी इन कोई होश नहीं है भी मैं कितने पिया कि नहीं पिया गा इनका किसी लड़के ना गलत जायज संबंध सी इन मुंडे भी परचा होना चाहिए कल्ली कुड़ी नहीं परचा होना चाहिए जो मुंडा ना लेके आया जी उनका भी परचा होना चाहिए हाँ जी हाँ जी मुंडा दे के गया जी इन्ना नहीं सानू पता जी कि गोलियां दे के गया जी उधर रिपोर्ट में आएगा जो भी सीधी गोलियां मुकदमा दर्ज किया गया जिहड़े पॉइजन दिता घर वाली ने स्टेटमेंट सीगी जी उहदे हस्बैंड दी कि मेरी वाइफ सानू कुछ जहरीला पदार्थ दे के चली गई है हस्पताल च दाखिल होया सी हस्पताल चो डॉक्टर दा रुका आया सी एंड डॉक्टर ने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि इन्हां नू कोई जहरीला पदार्थ दिता गया उहदे आधार ते असी फिर परचा दर्ज किया ठीक है सर दोषी अरैसट कर लिया सर हाँ जी दोषी अरैसट है ठीक थैंक यू बलजीत सिंह जी दोबारा फिर अपने आप वापस आ गई ते दोबारा फिर दूरी यार हुण माता भी गई वांडे मेरे मामा जी दाखल सीगी उहदा पता लैण ते मगर कुत्ते नूं ते मैनूं ते मुंडे नूं नहीं पाई ते पता नहीं की नशीली दवाई दित्ती मेरा भरा ड्यूटी तो आया 8 बजे 8:30 आण के मैनू नठाया लूण के ते मैं उठ्या जदों ते मैं आवाज़ मारी महा मनजीत मनजीत ते इन्हें आवाज़ नहीं दित्ती अगों ते जे मैं कंबल चुक के वेख्या ते थले दो सराहणे रखे पए ते उह हैगी नहीं ते आ गल दिया बात पता नहीं जी मैनू पता ही नहीं की दिता जी हाँ जी सुते ही रह गए जी मेरे भरा ने ड्यूटी तो आण के ठाया जी 8:30 बजे जसवीर सिंह जी अंबरसरिया यूनिवर्सिटी वाला ग्रंथी है जी बाबा बलवंत सिंह जी अंबरसरिया यूनिवर्सिटी का ग्रंथी है जी उनका मुंडा जसवीर सिंह वो ले गए हाँ जी उनके माड़े संबंध है जो भी कार्रवाई उनके परचा दर्ज करवाता है जी हाँ जी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनू सज़ा मिलनी चाहिए